अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर, प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। तो आज मैंने बनाए हैं मीठे चावल मतंजन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है और बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगी ये मीठे चावलों बनाने का तरीका। तो खैर, आज मैंने मीठे चावल बनाए हैं 2 किलो, जो कि आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला और कितनी क्वांटिटी में डाला। तो आप सबने, अगर आपको पसंद है मीठे चावल तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 किलो चावल लिए मैंने, रात को ही भिगो के रख दिए थे। इसको जितना सेला चावलों को आप भिगो के रखेंगे उतने ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो मैंने इनको रात को ही पानी गर्म डाल के भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। चावलों में ये जो सेला चावल होते हैं, अगर हमने शाम को बनाने तो सुबह भिगो दें तो शाम तक ये पानी में भीगे रहें तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसके टूटने का कोई वो नहीं होता चांस कि ये ज़्यादा भीगे रहेंगे तो टूट जाएंगे चावल, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती। सेला चावल जितने ज़्यादा पानी में भिगो के रखेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो खैर, उसके बाद सुबह का टाइम है, रात पूरी गुजर गई, चावल भीगे रहे और सुबह के टाइम मैंने इसको जल्दी से बनाना था मीठे चावलों को। तो ये फिर मैंने जब धो लिया, धो के पानी बॉईल कर लिया और सिंपल तरीका कि चावलों को बॉईल कर लिया। और जब चावल जो है बॉईल करने हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था ताकि चावल जो है ना खिले खिले बने। जब हम चाश वगैरह बनाते हैं तब तो नमक डाल नहीं सकते मीठे चावलों में, तो बॉईल करते हुए थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था तो फ्लेवर भी इससे अच्छा आता है और बहुत मज़े के बनते हैं। तो खैर, आप किस किस को पसंद है आपने बताना है मुझे कमेंट में कि मीठे चावल किस किस के फेवरेट है। मेरे तो खैर बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। उसके बाद ये हैं छुहारे, इनमें मैंने डाल दिया है गर्म पानी, इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद चावल जब बॉयल्ड हो रहे थे तो छुहारों को भी साथ ही बीच में डाल दिया। तो छुहारे, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि छुहारे में क्या बोल रही हूँ, वो हैं खजूरे, ड्राई खजूर जो होती है ना वो वाले। वो अक्सर जो है ना देगों में छुहारे ज़रूर डालते हैं पाकिस्तान में। जब हम पाकिस्तान में न्याज देते थे ना तो पकाने वाला जो कुक आता था तो वो छुहारे बीच में ज़रूर डालता था, तो बहुत मज़े के वो जर्दा चावल और इस तरह के मतंजन चावल लगते थे। तो खैर, उसके बाद चावल हमारे बॉयल्ड हो गए हैं और इनको मैंने अब जो पानी इसके ऊपर डालना है ना चावलों के ऊपर, वो ठंडा पानी डालना है। तो ठंडे पानी, ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये आप नोट किया करें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो खैर, उसके बाद चावल बॉयल्ड हो गए, अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया चावल बॉयल हुए थे। इससे क्या होता है कि चावल जुड़ता नहीं, खिला खिला रहता है। उसके बाद हसबे ज़रूरत मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी, और घी मैंने इसमें डाला है 200 ग्राम मैंने इसमें घी डाला है। तो चावलों के मुताबिक मैंने उतना ही घी डाला है जितना कि मुझे ज़रूरत थी और जितना हम पसंद करते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया 1 चम्मच पिसी हुई इलायची। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चावलों में, खासकर ये जो जर्दा होते हैं या मतंजन या इस तरह के कलरों वाले जो चावल मीठे होते हैं ना, उसमें इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। उसमें मैंने डाल दी है चीनी। तो चीनी मैंने, हमारी फैमिली में थोड़ी चीनी कम खाते हैं, तो मैंने इसमें, वैसे तो अगर 2 किलो चावल है तो मैंने 2 किलो ही चीनी डाली थी, तो मैंने आज डाली इसमें 1.5, मतलब कि 1.5 किलो चीनी इसमें डाली मैंने। अगर हम बराबर चीनी थोड़ी लाइट नहीं पसंद करते तो चीनी फिर जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी हमें डालनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें दूध ताकि अच्छी सी चाश बन जाए। और बाद में ये बता दूं आपको कि जब मैं जैसे ही चावल बॉइल्ड हुए, साथ ही थोड़े थोड़े चावल मैंने प्यालियों में निकाल लिए थे और इनमें 3 कलर मैंने डाल दिए थे, जैसे कि रेड कलर डाला है, ग्रीन कलर डाला है और उसके बाद ऑरेंज कलर, यानी कि येलो और ऑरेंज मिक्स ही था वो डाला है, तो इससे कलर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये क्या करने है कि थोड़ी थोड़ी प्यालियों में चावल डाल के तो उनमें कलर मिक्स कर लेना है। ऐसे क्या होता है कि जब हम चावल ऑयल में मतलब डाल देते हैं ना जैसे चाश में, तो उनको कलर अच्छे से नहीं चढ़ता। तो इस तरह किया करें कि आप भी चावल जब बॉयल कर चुकते हैं ना तो थोड़े से चावल इस तरह निकाल के तो उनको थोड़ा थोड़ा कलर डाल के मिक्स कर लिया करें। तो चाश जब बन चुकी थी तो थोड़ी सी मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने डाल दिया मेवा यानी कि किशमिश, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें खोपरा जो कद्दूकश किया होता है वो डाल के तो अच्छे से मिक्स करके उसके बाद चावल डाल दिए। तो देखिए, चावल जब चाश में डालते हैं ना तो इसके साथ जो हमने घी या ऑयल कुछ भी डाला होता है वो चावलों के साथ लग जाता है, तो जब हम इसके अंदर कलर डालते हैं ना तो वो सही से कलर नहीं चढ़ते। इसीलिए मैंने बोला है कि चावलों को चाश में से डालने से पहले ही जो कलर वाले चावल हैं वो अलग से थोड़े थोड़े निकाल लें और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर, जैसे मैंने आज किया प्याली में अलग से, तो इससे कलर जो है ना सही
मज़े का पक्के वाला कलर चढ़ता है, वरना अगर हम ऑयली चावलों में कलर डाल देते हैं तो वो सही से कलर नहीं चढ़ता। तो उसके बाद जो इसमें मेवाजात डालने थे वो मैंने डाल दिए। अब देखें कि चावलों को जो कलर वाले चावल थे ना वो साइडों पे ऐसे डालते जाने अलग अलग, तीन जगह पे मैंने तीन ही कलर डाले, तो इससे एक वाइट हो जाएगा, एक रेड हो जाएगा और एक येलो और एक ग्रीन, मतलब मिक्स हो जाएंगे, जितने आपको कलर पसंद है आप डाल सकते हैं। उसके बाद बादाम छिलके के बगैर जो मैंने छील लिए थे वो डाल दिए, टूटी फ्रूटी डाल दिए, जो जो आपको मेवे पसंद है इसकी लश पश करने के लिए, तो इसको वोटी बनाने के लिए। तो फिर इसको वोटी बना दिया हमने जर्दा को, यानी कि मतंजन चावलों को। तो माशाल्लाह दम मैंने इसको दिया था 20 मिनट, अब दम खुल भी गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम इसको और लंबा कर दें, तो इसलिए देखें कि माशाल्लाह कितने खिले खिले बने हैं ना। तो चावल जब भी बनाएं इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को नोट करें, आपके भी चावल इसी तरह मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे। अगर आप छोटी छोटी जो बीच में मैं चीज़ें बता रही थी आप भी अगर उन चीज़ों को स्किप नहीं करें तो आपके भी चावल इसी तरह मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, मेरे तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मीठे चावल पसंद हैं। मैं तो क्या करती हूँ जब भी बनाती हूँ ना तो फ्रिज में एक हफ़्ते के लिए तो रख देती हूँ ना किसी डिब्बे में डाल के, ताकि चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं शाम के टाइम, 4 बजे के टाइम चावल, मीठे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर फिर बने हो इस तरह कलरों वाले जो कि देखने से भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं और आपको पता है जब खाते हैं तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर जब हमारे मतलब पाकिस्तान में हम नियाज वगैरह देते थे ना तो ऐसे ही बनाते थे कलरों वाले चावल, तो मुझे बहुत पसंद थे और मुझे वो वाली जो इसके नीचे ग्रेड़ी होती है ना वो वाली बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इनमें आज जो मैंने चावल बनाए ना इसमें ग्रेड़ी नहीं लगी। खैर मैं तो जानबूझ के जब भी मीठे चावल बनाऊँ ना तो थोड़ी देर ज़्यादा इनको दम पे रखती हूँ ताकि नीचे से वो जो है ना चावल ग्रेड़ी जी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो खैर जिधर हमने ये लेके जाने थे बना के ख़त्म के लिए, तो हमने इनको पैक किया, ट्रे में डाला और ऊपर फॉइल लगाई ताकि ये गरम गरम उधर, मतलब जब हम खाने के टाइम गरम गरम रहें, फॉइल लगा दी थी फिर साथ ही। उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट भी काटा था जिधर लेके जाना था ख़त्म में, तो खजूरें थी। और बस जी अब फारग हो चुके हैं सारे, खाना वगैरह खा चुके हैं और टाइम नहीं था एक एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, इतना टाइम नहीं था। फिर उसके बाद शाम हो चुकी थी, हम घर वापस आ रहे थे और बस पूरा दिन आज तो बिज़ी 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 गुजरा है। माशाल्लाह आप देखें कि कितना प्यारा वेदर है हमारा, इधर अब इतनी सर्दी नहीं रही, नॉर्मल सर्दी हो गई है, इतना मौसम बहुत प्यारा सा और अमेजिंग सा मौसम हो गया है माशाल्लाह। और शाम के टाइम यहाँ पे इतनी रौनक होती है, आप देख सकते हैं कितनी रौनक है माशाल्लाह हमारे टाउन में, और ये बहुत प्यारा टाउन है। मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल करता इस टाउन से जाने को कहीं और, तो बस अल्लाह खैर करे और देखें कि शाम का टाइम है, अब हम घर वापस जा रहे हैं। और इतना रश था आज, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आके शॉपिंग करते हैं ना क्योंकि वेजिटेबल की शॉप बहुत ज़्यादा है और हमारे देसी रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और हर चीज़ यहाँ पे इजीली मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे हर वक्त गहमा गहमी होती है, रश होता है। और ज़्यादातर ये जो शॉप्स हैं हमारी देसी गोश्त वाली या फिर उसके बाद वेजिटेबल वाली, तो यहाँ से वो चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिलती हैं इसलिए रश होता है। उसके बाद हम घर आए और रात का टाइम है, हम थोड़ी सी बखूर में देने लगी थी घर में, तो ये वाली मशीन बहुत लोगों ने पूछी थी कि ये आपने कहाँ से ली है, ये हमें दुबई से गिफ्ट आया था मशीन, तो ये चार्ज होती है अमेज़ोन से भी मिल जाती है, इसमें थोड़ी सी बखूर डालें तो इस तरह इसके आगे से धुआँ सा निकलने लग जाता है बखूर का, यानी कि खुशबू सी बहुत होती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आप सबने अगर लेनी है तो आप अमेज़ोन से चेक कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने आज वीडियो में बताया था कि मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे सारे कि ये आपने कहाँ से लिए है, हमें तो ये दुबई से गिफ्ट मिला है। और ये अगर आपके भी कोई दुबई में रहता है तो आप मंगवा सकते हैं उनको, ये वीडियो जो है थोड़ी सी आप स्क्रीन कर लें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उनको बता दें कि ये वाली जो मशीन है बखूर की चाहिए, तो वो आपको ज़रूर भेजेंगे। तो खैर अमेज़ोन से भी मिल जाती है, आप अमेज़ोन से भी ईज़िली मंगवा सकते हैं और वैसे भी इस्लामी शॉप से ये इजीली मिल जाती है। तो खैर वीडियो का भी हो चुका है एंड, अगर आपको ये मीठे चावलों की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।